यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 17 और 18 मार्च, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। अब एक और बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि करीब 5 साल से उमेश अतीक के निशाने पर था। अतीक अहमद साल 2018 से ही उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। उसे ये भी पता था कि अगर उमेश पाल की हत्या होती है तो उससे बड़ा बवंडर भी मच सकता है। इसका खुलासा हुआ है एक FIR कॉपी से। मामला उस वक्त का है जब अतीक यूपी की देवरिया जेल में बंद था। उसी दौरान उसके खिलाफ जैद खालिद नाम के शख्स ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अपने अपहरण के मामले में FIR दर्ज करवाई थी। इस FIR में उमेश पाल की हत्या कराए जाने का भी जिक्र किया गया था। उस वक्त जो कुछ भी अतीक अहमद ने कहा था वो आप FIR की कॉपी की लाइनों में पढ़ सकते हैं। FIR के मुताबिक अतीक ने कहा था कि उमेश उसे सजा करवाना चाहता है, इसलिए उसकी हत्या कुछ इस तरह से होगी जिसकी खबरें 15 दिन नेशनल टीवी पर चलेंगी। यानी कि अतीक जानता था कि उमेश की हत्या से हड़कंप मचना तय है। ये पूरी घटना साल 2018 के नवंबर महीने की बताई जा रही है। मोहम्मद जैद खालिद का आरोप है कि उस दिन सुबह अतीक अहमद का साढ़ू और अतीक के कुछ गुर्गे उससे किडनैप कर देवरिया ले गए, जहां जेल में बंद था अतीक अहमद। वहीं जैद के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, उसका सोने का ब्रेसलेट और 80,000 रुपए छीन लिए गए, जिसका जिक्र भी FIR में है। शिकायत के मुताबिक जेल में जैद को देखते ही गालियां देते हुए अतीक अहमद ने कहा कि विश्नापुरा वाली जमीन भूल जा और चुपचाप उसका बैनामा कर दे। इस पर जैद ने सवाल किया तो अतीक अहमद और उसके लोग पीटने लगे। इस दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल को गालियां देते हुए कहा कि वो सजा करवाना चाहता है। उमेश को जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर खबरें चलेंगी, उसकी मुखबिरी तू करेगा, नहीं तो तुझे भी उसके साथ ही जान से मारा जाएगा। हालांकि इसे लेकर जनवरी 2019 में प्रयागराज के धूमनगंज में FIR करवाई गई थी, जिसमें कुल 15 लोगों पर अपहरण, डकैती, मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तो क्या अतीक का 2018 में ये सोचना कि अगर उमेश पाल की हत्या हुई तो हड़कंप तो मचेगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं था? क्या उसने किसी के दम पर ये सारी बातें कही थी? क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को 24 दिन के करीब हो चुके हैं लेकिन अब तक आरोपी फरार हैं। और उससे भी बड़ी बात की क्या अतीक की पहुंच इतनी है कि वो जिस भी जेल में रहता है वहां से बड़ी ही आसानी से कुछ भी कर सकता है। फिर चाहे 2018 में देवरिया जेल में किडनैप करके लाए गए शख्स के साथ मारपीट का मामला हो या फिर साबरमती जेल से उमेश पाल हत्याकांड के लिए साजिश रचने का आरोप। वैसे आपको बता दें कि 24 फरवरी से पहले उमेश पाल पर हमले की 3 और कोशिशें भी हुई थी जनवरी से फरवरी के बीच, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी और आखिरकार 24 फरवरी को सरेआम गोलियों और बमबाजी के बीच उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या अतीक ने जानबूझकर इस तरह से पुलिस प्रशासन को चुनौती देने के लिए किया जो उसने 2018 में कहा था? आप क्या कहेंगे इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।